हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में भी शाम का टाइम हो गया है और अभी 6 बजने वाले हैं। 6 बजने वाले नहीं, ये 6 बज चुके हैं पूरे और मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मेरे रूम की जो हालत है वो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ही ज्यादा। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि मेरी हालत जो है, मतलब रूम की ना, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो अभी जो है फिलहाल यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं जो मेरे को तय करके रखने हैं, क्योंकि कल जो है कपड़े तो ये परसों धुले थे, बट दो तीन दिन से ऐसे ही पड़े हुए और मुझे बिल्कुल भी जो है टाइम नहीं मिल रहा था इन कपड़ों को सेट करने का। तो फिलहाल इन कपड़ों को जो है मैं कर लेती हूँ सेट। पूरा का पूरा जो बेड है ना, वो वैसे ही कपड़ों से भरा हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि होता ये है कि जो तनु है ना, वो इस रूम में सोया होता है और वो ऐसे टाइम पे सोया होता है कि उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी कपड़ों को सेट करने का टाइम जो है वो मिल नहीं पाता है। तो बस यही जो है दिक्कत परेशानी चली रहती है, उसका सामना जो है हम लोगों को करना पड़ता है, क्योंकि अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं। तो वो रात में कभी लाइब्रेरी की कुछ टाइम, कभी किसी टाइम, कभी किसी टाइम, तो ये सब कुछ चला रहता है। बट चलो कोई नहीं, ये सारे चीज़ें जो है वो तो फेस करनी पड़ेगी। तो फिलहाल जो है मैं ये कर लेती हूँ कि जो कपड़े तह करके रखे हुए हैं उनको अलमारी में लगा लेती हूँ। मेन जो है मेरा काम पहले वही है। अमेजोन से मैंने शॉपिंग करी है, वो शॉपिंग जो है जब मैंने सोचा कि सारे पैकेट्स मैंने ओपन किए ही है, तो क्यों ना कुछ प्रोडक्ट जो है आप लोगों के साथ आज शेयर कर देती हूँ आज, इसलिए क्योंकि अमेजोन पे जो है वार्डरोब रिफ्रेश सेल चली है। 5 जून तक ये सेल है, इसका फायदा जो है आप उठा सकते हैं। इसमें आपको 1500 प्लस ब्रांड्स पे जो है अच्छा खासा डिस्काउंट मिलने वाला है। 50%, 60%, 70%, 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ 3 लाख प्लस स्टाइल्स जो है अमेजोन पे अवेलेबल है, जो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। फैशन रिलेटेड, ब्यूटी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑर्डर करना है तो जरूर ऑर्डर करना, क्योंकि ये जो ऑफर्स होते हैं ना, ये रोज रोज नहीं होते हैं। तो जब जब भी ये ऑफर चले तो इनका फायदा जो है जरूर उठा लेना चाहिए। तो चलिए, जो मैंने ऑर्डर किया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। लिंक आपको सारे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहाँ से जो है आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये टी शर्ट, जिसको मैं आज ही वियर करके गई थी। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि अमेजोन से ही मैंने पूरी ये शॉपिंग की है, और अमेजोन पे फिर से बता देती हूँ कि जो है वार्डरोब रिफ्रेश सेल चल रही है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं 5 जून तक। तो ये टी शर्ट है, सबसे पहले इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ये लाइंस वाला, ये स्ट्रिप्स जो होती है उस तरीके से है, पिंक और वाइट में है। और साथ ही साथ ये जो टी शर्ट है ना, ये मैंने मंगवाई है एल साइज में, तो आप भी इसको मंगवा सकते हैं। और बहुत ही सॉफ्ट है ये, मुझे 349 के आसपास ऐसे पड़ी, और इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको अगर इतने कम रेट में मिल रहा है तो क्यों ना ले। और इतना सॉफ्ट है ना, एकदम मलमल सॉफ्ट नहीं होता है जैसे, उतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो ये है, और साइज है इसका एल, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दो ऐसे लॉन्ग कुर्ती टाइप जो है उस तरीके की ड्रेसेस मंगवाई है, जो कि मुझे खुद को ही बहुत अच्छी लग रही है। तो सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया है अमेजोन से वो है ये कुर्ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिंक कलर का ये कुर्ता है, और ये ए लाइन नहीं है, ये पूरा, मतलब आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा ये घेरे वाला कुर्ता है। बहुत बड़ा घेरा नहीं है, लेकिन जैसे आपको लेगिंग वगैरह के साथ वियर करना है या स्टॉकिंग के साथ, उस तरीके से आप इसको वेयर कर सकते हो। इस तरीके से है, नी लेंथ तक का है, और स्लीव्स में आप लोग को बता देती हूँ कि इस तरीके से ये बांधने के लिए है, तो आप इनको इस तरीके से यहाँ पे स्टाइल कर सकते हैं। गर्मियों में थोड़ा मन होता है कि इस तरीके के कपड़े पहने जाए, जो पहनने में मतलब कंफर्टेबल रहे और हम लोगों को मतलब ऐसे गर्मी वगैरह ना लगे, तो उसी लिए जो है मैंने ये वाला जो
कुर्ता है ये मंगवाया है, और ये एक ही कुर्ता नहीं है, ये वाले जो है मैंने दो कुर्ते मंगवाए हैं। तो इस तरीके से ये कॉलर में रहने वाला है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सही है और बहुत ही जबरदस्त है। मेरा जो ट्राइपॉड है वो भी मेरे साथ गेम खेल रहा है, कभी इधर को जा रहा है कभी उधर को जा रहा है। तो ये रहा कुर्ता। देन जो थर्ड प्रोडक्ट है, सेम यही कुर्ता मैंने मंगवाया है, लेकिन क्या है कि इसमें ना कलर अलग है, तो इसको आप एक वन पीस ड्रेस की तरह भी यूज कर सकते हो, और आप चाहे इसको लेगिंग के साथ या स्टॉकिंग के साथ उस तरीके से भी पेयर कर सकते हो। तो अगर आप घूमने फिरने का सोच रहे हैं कहीं जाने का, तो आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हो इसको। तो ये रहा सेकेंड, सेम कुर्ता वही, ये देखो स्टफ भी वही है, बस कलर डिफरेंट है, इसका कलर डिफरेंट है, बाकी जो भी है वो सब कुछ इसका सेम ही है। और इस तरीके से इसकी स्लीव्स जो है ये इस तरीके से बंध के आएगी, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये लगने वाला है पहन के। खैर मैंने आपको बताया कि मैं एल साइज वेयर करती हूँ, तो ये जो कुर्ता है ये है एल साइज में। तो ये है थर्ड प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है। उसके बाद मैंने ऑर्डर की है अपने लिए एक फॉर्मल शर्ट, जो कि मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर की है, और यहाँ पे आप ब्रांड देख सकते हो वेन्यूसेंट, और ये है एल साइज। तो मैंने पहन के ट्राई की थी, इसकी जो फिटिंग है ना, अगर आपको चाहिए कि आपकी शर्ट थोड़ी सी लूज फिट में हो, तो आप एक साइज बड़ा ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे आप एल पहनते हैं तो आप एक्सएल ऑर्डर कर सकते हैं, बट अगर आपको प्रॉपर फिटिंग में चाहिए तो जो आपका साइज है वही मंगाना। और इसका जो बेस्ट पार्ट है ना वो मैं बताती हूँ, इसके जो बटन्स है ना वो इस तरीके से बने हैं कि ये देखो एक बटन ऐसे बाहर की तरफ है, देन इसमें बटन अंदर की तरफ भी है, वो है दूसरे वाली साइड से, ये देखो ये। तो इससे क्या होता है कि जैसे हम शर्ट वगैरह पहनते तो ये वो बटन ऐसे खींचने की वजह से ओपन होता रहता है ना, वो इससे नहीं होते हैं। और ये जो शर्ट है इसकी जो क्लोथ है ना, इसका जो मटेरियल है ज़बरदस्त है और मुझे बहुत पसंद आया। तो ये फॉर्मल मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ऑफिस में जैसे कई बार प्रोफेशनल शूट्स वगैरह चले रहते हैं, तो उसमें फिर ये फॉर्मल शर्ट जो है बहुत काम आएगी। ये कॉलर में है इस तरीके से। तो और जो इसकी स्लीव्स है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फुल स्लीव नहीं है और ना ही हाफ है, मतलब यहाँ तक जितनी मेरी कमीज की स्लीव है वहां तक ही इसकी जो स्लीव है उसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये बटन दे रखे हैं। तो ये था मेरा फोर्थ प्रोडक्ट जो कि मैंने अमेजोन से बाई किया है, और इसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगाई है शर्ट वो भी। तो इसके बाद जो शर्ट मैंने अपने हस्बैंड के लिए ऑर्डर की है वो है ये पीटर इंग्लैंड की, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांडिंग, और इसका जो साइज है वो है एल यानी कि 40। तो आपके हस्बैंड की हेल्थ अगर मेरे हस्बैंड जैसी है तो आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और ये जो है शर्ट नीरज ने पहन भी लिया, इसका जो मटेरियल है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, तो वो इसको ऑलरेडी ऑफिस के लिए यूज़ करना पहनना शुरू कर चुके हैं, तभी मैं फटाफट से लेके आई, मैं चलो आपको दिखा देती हूँ। तो ये तो फॉर्मल शर्ट है, सेमी फॉर्मल नहीं है, फुल फॉर्मल शर्ट है। तो इस तरीके से इसका जो मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आई थिंक अभी के लिए फिलहाल इतने ही प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी, एक दो दिन में मेरे कुछ और प्रोडक्ट्स भी मुझे रिसीव हो जाएंगे, तो वो वाले प्रोडक्ट्स भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चेक कर लेना, और सेल चली है तो उसका फ़ायदा आप जो है उठा सकते हो, वार्डरोब रिफ्रेश सेल। तो जाओ और जल्दी से ऑर्डर कर लो। तो चलो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, आज बन रहे हैं राजमा। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसे कुकर में चढ़ा रखे हैं, अभी बन जाएंगे थोड़ी देर में, तो पक जाएंगे, मतलब बनाने तो मुझे पड़ेंगे, अभी जो कुकर में चढ़ा रखे हैं वो पकेंगे, उसके बाद जब तड़का लगाऊंगी तब बनेंगे, तब प्रॉपरली बन के रेडी होंगे। और ये सारा सामान जो मैंने फैला के रखा है इसको मैं डालती हूँ जगह में जहाँ पे रखना चाहिए वहाँ पे। और फिलहाल जो ये बेड पे मैंने हालत ख़राब कर रखी है, दरवाजे के पीछे पूरे कपड़े कपड़े लटके हुए, ये भी मैं ठीक करूँगी। और मेरा ना कैमरा थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो रहा है बार बार, तो उसके लिए सॉरी। चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ अब आप लोगों से।
जी नेक्स्ट डे हो चुका है और अभी शाम का टाइम हो गया है, नेक्स्ट डे का भी इवनिंग टाइम हो गया है और अभी जस्ट मैं ऑफिस से वापस आई हूँ। लेकिन इतनी गर्मी और ऐसा लग रहा था कि एकदम दिमाग ना ब्लास्ट हो जाएगा, इतनी खतरनाक लेवल की गर्मी है। तो बस अभी कपड़े वगैरह चेंज करके खाना बनाना है जल्दी से, क्योंकि नीरज का फ़ोन आया था कि जल्दी से खाना बना लो। मेरे जो फादर इन लॉ है ना, उनको एडमिट कर लिया है ससुर जी को हॉस्पिटल में, क्योंकि उनका वो नी ट्रांसप्लांट होना है। तो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आनी थी आज, वैसे तो टेस्ट वगैरह कल भी हुए थे, रिपोर्ट्स आ जानी थी, उस बेस पे ही जो है फिर उनको एडमिट करना था। तो पता नहीं, आई थिंक रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ हुआ होगा या क्या है पता नहीं। तो कल शायद, अभी बंदी मेरी उतनी बात नहीं हुई है, बट उनको एडमिट किया तो खाना वगैरह लेके जाना है। वैसे तो हॉस्पिटल में ही देते हैं, फोर्टिस में है वो एडमिट, पर शायद लेके जाना हो या अपने लिए लेके जाना हो, आई डोंट नो एक्चुअली कि क्या है, पर जब आएंगे तभी पूछूंगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, भयंकर यहाँ पे। तो गर्मी की वजह से बच्चों को छुट्टियाँ दे दी है, वैसे तो आई थिंक ऑल ओवर हिमाचल ही छुट्टी कर दी है, 4 दिन की है अभी तो नोटिस जो है, 30, 31, 1, 2 की, और बाकी उसके बाद भी फिर होनी होगी या कुछ वो फर्दर नोटिस, अभी जैसे ही आएगा वैसे ही हमें पता चलेगा। बाकी बहुत गर्मी, भयंकर गर्मी है, हवा ये पत्ते जो हिल भी रहे हैं ना, मतलब ऐसी गर्म हवा हो रही है, गर्म हवा, पता नहीं क्या ही होगा इस बार, गर्मी के ना रिकॉर्ड टूटेंगे जिस हिसाब से गर्मी हो रही है। अदरवाइज धर्मशाला में ऐसी गर्मी अभी तक नहीं मैंने झेली थी कि ऐसी गर्मी भी हो सकती है। तो बस यही है सबसे कि भाई अच्छे से पानी पुनी पीते रहो, जूसेस जो पी सकते हो वो जूस पियो, जो नहीं पी सकते वो पानी तो पियो एटलीस्ट, बस बॉडी को ना एकदम पानी से करके रखो। अदरवाइज एकदम ये सन स्ट्रोक वगैरह ये बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मैं तो अभी ऑफिस से जब आई तो पैदल ही आई, क्योंकि स्कूटी तो नीरज लेके गए हैं, तो पैदल आई। वैसे तो बस में भी आ सकती है, लेकिन बस में इतनी ज़्यादा भीड़, ऊपर से फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पैदल आया जा सकता है, 10-15 मिनट लगते हैं घर पहुंचने में। तो पैदल आई, तब भी मैं मतलब 1.5 गिलास पानी का पी के निकली थी ऑफिस से, तब मैं आई हूँ पैदल। और बस वही बेवकूफ़ों वाली हरकतें ये है कि छाता ले जाने की याद नहीं रहती, बट आज मैं ना याद से अभी छाता डालूंगी बैग में, ताकि फिर सुबह सुबह जल्दबाजी में मेरे को ऐसा ना रहे कि मैंने छाता नहीं डाला है। बाकी देखते हैं अभी हॉस्पिटल का मैंने जाना है कि नहीं जाना है, वो वैसे मेरा कोई काम होगा नहीं, बट फिर भी देखते हैं अभी नीरज क्या बोलते हैं आके। बाकी मिलती हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, अभी तो ऑफिस से आई हूँ और आंखों में ना मेरी धूप की वजह से इतनी ड्राइनेस होती है, तो उसी चक्कर में मैंने जो है 2 दिन से लगातार चश्मा पहन रही हूँ, उससे ही थोड़ा फर्क लग रहा है। अदरवाइज इतनी आंखें ड्राई कि ऐसे करके रखनी पड़ रही है बंद, फिर मेरे से खुलती नहीं है आईज प्रॉपरली, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जो रात के 7:30 हो गए हैं और मैंने जो है, मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलकर खाना लाया है। मम्मी ने ये भिंडी बनाई है यहाँ पे, और यहाँ पे जो दाल है वो तड़का लगा के रख दी, इसमें बने चावल कुकर ऊपर जैसा, क्योंकि इसमें पहले दाल बॉयल करी थी, और फुलके भी बना दिए मैंने, क्योंकि चावल वगैरह खाने के लिए ज़्यादा खुश नहीं रहते। और दे दूँ मैंने को तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है, पहले हमने सोचा कि खाना लेके मतलब वहाँ पे देंगे खाना, पर उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग्स वो होती है, इंस्ट्रक्शन सॉरी वार्निंग नहीं बोल सकते, कि उनको जो है हॉस्पिटल का ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके उसमें पैकेज में होता है, और वैसे भी वो लाइट फूड होता है, तो बोला है कि वही खाना होगा उनको, तो वो सब लेके नहीं जा रहे थे, वैसे इसीलिए हमने जल्दी जल्दी खाना बनाया था ताकि हॉस्पिटल भी ले जाया जा सके। पर अभी ये यहीं से खा के चले जाएंगे और बेडशीट वगैरह लेके जाएंगे अपने लिए सोने के लिए, बेड पर तो खैर बैठे हैं वहाँ पर, उनके लिए बेडशीट टॉवल वगैरह वो सब कुछ भी देंगे, पर पहले उनको खाना देगी खाने के लिए, फिर ये भी मैंने लंच तक नहीं किया है आज।